गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है कॉस्ट। ये चैप्टर जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जब भी प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन करने में बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जिनको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व की जाती हैं जिनको हम लोग नॉन फैक्टर की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गई, एक्सपेंसेज ऑन फ्यूल हो गया, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इस तरह की सारी चीज़ों, जो भी चीज़ें हम लोग खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज द कॉस्ट, या एक्सपेंडिचर ऑन ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट। जो जितने भी इनपुट्स लगे, वो चाहे इनपुट कैसे हो, इनपुट को हम हमेशा दो कैटेगरी में रखते हैं, हमने पहले ही बताया फैक्टर और नॉन फैक्टर। तो फैक्टर में लगे हों चाहे वो नॉन फैक्टर में लगे हों, किसी भी चीज में जो भी एक्सपेंसेज आए, जो भी एक्सपेंडिचर आए, सारे एक्सपेंडिचर को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो हम लोग अब इस कॉस्ट के चैप्टर में आते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम जानने की कोशिश करें, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है, पेन बनाने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारे वर्कर्स रखती है, फिर लैंड है उसमें लगा हुआ है, लेबर भी, कैपिटल भी लगी हुई है, फिर उसके बाद एक ओनर भी है जिस परमानेंट स्टाफ भी है, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल लग रहा, तो इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, सारी चीज़ों में जो भी एक्सपेंसेज आएगा, वो सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसको मैं कॉस्ट ही बोलता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग इसको आगे इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो एक डिफिनेशन लिखी, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लग रही है, वो सारी कॉस्ट को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, उसको कॉस्ट कहा जाता है। जो भी एक्सपेंसेज आ रहे हैं उसको सबको मिलाकर क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट होता है। कॉस्ट एक्चुअल में जब भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, कॉस्ट के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो देयर इज टू टाइप ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है, एक को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं और दूसरे को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो दीज आर टू मेजर कॉस्ट। तो हम लोग इसमें देखते हैं, यहां टू डिफिनेशन लिखी हुई है, पहली एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स आर पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो फर्म करती है, और इसमें क्या होता है, ये सब के सब एक्सपेंडिचर किसमें किया जाता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर को हायर करने में, उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हमने लेबर किया है, हायर किया हुआ है, तो उसको वेजेज सैलरी दे रहे हैं। हमने लैंड अगर हायर की हुई है तो उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, लैंड को क्या देंगे, रेंट देंगे। हमने कैपिटल लगाया हुआ है लोन लेकर, तो उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हमने ऐसे इस तरह की सारी चीज़ें, जब भी जो भी चीज़ें हायर की, या फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है तो उसके एक्सपेंसेस दे रहे हैं, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ये सारे एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट की कैटेगरी में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पहले ही कॉस्ट ऑफ द हायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉन फैक्टर, जितने भी हायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या नॉन फैक्टर्स हैं उनके ऊपर खर्च किया गया सारी चीजें इस कैटेगरी में आएगा। दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें ये वो सारी चीजें हैं जो कौन इसमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ओनर प्रोवाइड कर रहा होता है। ओनर कैसे, अगर वो खुद काम कर रहा फर्म में आकर, तो वो उसके क्या हो गई, इसको इम्प्यूटेड सर्विसेज कहा जाता है। एक ओनर है, ओनर क्या कर रहा है, खुद ही वर्क कर रहा है आके, या खुद की लैंड उसने लगा रखी है, उसके बदले जो इंटरेस्ट की उसमें गेन हो रहा, या खुद की कैपिटल उसने लगा रखी है उसके बदले उसको जो हो रहा बेनिफिट, या खुद की उसकी ओन बिल्डिंग है उसमें उसको उसने यूज किया हुआ है। तो ऐसे जो भी इंप्यूटेड सर्विसेज या इंप्यूटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं,
जो ओनर से रिलेटेड है, ओनर डायरेक्टली जिनको जो रिलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, देखो एक डिफिनीशन है कॉस्ट की, एक नई डिफिनीशन यहाँ पर आ गई कि कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स, और जो चीजें ओनर्स ने उसमें लगा रखी जो उसने दी हुई है, इट्स मीन इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर सम टोटल कर दिया जाए तो क्या निकल आता है, इसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट है। एक क्वेश्चन आया करता है हमेशा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो डिस्टिंग्विश आप सबको पता है, पहला मीनिंग के बेस से होता है, मीनिंग हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपके सामने लिखी हुई है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की और इम्प्लिसिट कॉस्ट की, मैं फिर से एक बार पढ़ ही दे रहा हूं। इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट आर पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया मीनिंग के बेस से डिस्टिंग्विश। दूसरा मनी पेमेंट के बेस से हो गया कि ये क्या करता है, ये मनी पेमेंट को, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व मनी पेमेंट बिकॉज इट पेड टू द हायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, इट नेवर इंक्लूड द मनी पेमेंट। ये मनी पेमेंट को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि लास्ट जो बचता है वही किसके पास चला जाता है, ओनर के पास चला जाता है। एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका है इसका कि पेमेंट ऑफ रेंट है, वेजेज सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, पेमेंट टू द सीए जो होता है उसके पेमेंट किया जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग किस में रखते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल ओन कैपिटल लगा रखी है, रेंट ऑन दी ओन लैंड, जो खुद लैंड उसने लगा रखी है, ऐसे खुद या खुद सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले जो सैलरी क्रिएट हो रही, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डिस्टिंग्विश हो गया। किस डिस्टिंग्विश में एक मीनिंग, दूसरा मोड ऑफ पेमेंट, और तीसरा क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, और इन दोनों कास्ट को हमेशा, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कई बार इकोनॉमिक्स बोला जाता है कि ये कॉन्स्ट्रक्चुअल बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस से इसमें आते हैं लोग, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट में इसमें एक्चुअल लोग रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में बाहर से लाए नहीं जाते, यानी बाहर से हायर नहीं किए जाते। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर देखें। तो इन दोनों को देखने के बाद हमारे पास फिर एक टर्म आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। एक डिफिनीशन होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन, नेक्स्ट बेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल उससे अगर अच्छा मिलता है हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग समझेंगे, एक हम लोग डिफिनीशन ले लेते हैं। डिफिनीशन हम दो तरह से इसको लेते हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे पास टू ऑप्शन हैं, एक है कि हम राइस का प्रोडक्शन करें और दूसरा हम किसका प्रोडक्शन करें, वीट का प्रोडक्शन करें। राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो 40 क्विंटल प्रोडक्शन होगा और वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो 60 क्विंटल होगा। इसकी जो मनी इस सेंस में वैल्यू आएगी वो मान लिया गया 50,000 आएगी, और इससे जो प्रोडक्शन होगा वो 57,000 होगा। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब प्रोड्यूस जो उसके पास क्या है, एक जो यानी प्रोड्यूसर है, जो एग्रीकल्चर लैंड का ओनर है, उसके पास ये टू ऑप्शंस है। उसके पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने उसके पास यानी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्स का यूज करके अगर वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करने में क्या होता है, उसके पास टू ऑप्शंस होते हैं कि राइस का प्रोडक्शन करे या फिर वीट का करे, दोनों का एक साथ वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उसके पास इतनी है,
एक ही चीज के प्रोडक्शन उसमें पॉसिबल है। तो उस क्या हुआ, अगर राइस करता है तो उसकी अर्निंग 50,000 की है, अगर वीट का करता है 57,000 है, तो वो किसका प्रोडक्शन करेगा, वीट का। इसके लिए वो 50,000 का जो राइस का प्रोडक्शन है वो सैक्रिफाइस कर जाएगा। सैक्रिफाइस करने का मतलब ही, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था फॉरगॉन, फॉरगॉन का मतलब ही है सैक्रिफाइस करना। तो एक बेस्ट है, क्योंकि अल्टरनेटिव उसके पास दो है, एक तो है वीट का और दूसरा है राइस का। वीट का जब प्रोडक्शन कर रहा है तो राइस को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो चीज सैक्रिफाइस की गई है वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है। दूसरे एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं, एक पर्सन है उसके पास ए बी सी और डी 5 जॉब का ऑफर है। इस जॉब में उसको मिल रहा 20,000, इस जॉब में उसको 30,000, इसमें 40,000 और इसमें डी में उसको 55,000। अब क्या करेगा वो, इसके अगेंस्ट में इसको सेलेक्ट करता है तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगी, अगर यहां पर है तो फिर इसको सेलेक्ट कर लेता है तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट। और वो सेलेक्ट किसको करेगा, सबसे लास्ट वाले को, जिसमें उसकी इनकम क्या है 55,000। तो 40,000 क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ये 40,000 जो उसकी उसके जस्ट पहले वाली जो थी, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन है, इसके बाद सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ये है और ये फॉरगॉन है यानी सैक्रिफाइस है। तो जो चीज सैक्रिफाइस है वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। फिर इसके दूसरे टर्म में आते हैं, एक टर्म होता है शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ कॉस्ट। एक, क्योंकि आप सबको पता होगा पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, देयर इज टू टाइप ऑफ पीरियड्स, शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड में क्या था, जो भी वेरिएबल फैक्टर्स थे, जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, सारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू पार्ट में डिवाइड थे, वन इज वेरिएबल एंड सेकेंड इज द फिक्स्ड। तो वेरिएबल जो फैक्टर के में जो एक्सपेंसेस जाएंगे वो वेरिएबल कास्ट होगी, और जो फिक्स्ड फैक्टर में एक्सपेंसेस जाएंगे वो फिक्स्ड कास्ट होगी। तो हमारे पास, हम यहाँ पर जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों कॉस्ट को शॉर्ट रन में इंक्लूड करेंगे। लॉन्ग रन होता तो वहाँ तो केवल वेरिएबल फैक्टर होते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं होता, तो वहाँ की, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारे डिस्कशन पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा किस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, टू टाइप ऑफ कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कास्ट और दूसरा वेरिएबल कास्ट। तो आप सबको पता होगा कि फिक्स्ड कास्ट क्या होता है और वेरिएबल कास्ट क्या होता है। इसको अभी हम लोग यहाँ पर दो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम देख लेते हैं, द सम टोटल ऑफ द फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट का जो सम टोटल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कास्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल कास्ट को निकाला जाता है। अब इसके जो कॉन्सेप्ट है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कास्ट क्या होता है, वेरिएबल कास्ट क्या होता है, तो टोटल तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को पहले समझ लेते हैं और उसको हम लोग एक एक टर्म के साथ में उसको जानते हैं। क्योंकि इस जब फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को हमें पढ़ना है तो हमें ग्राफिकल और प्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ में किसको लेना पड़ेगा, डायग्राम के साथ में शेड्यूल को लेना पड़े। तो हम लोग शेड्यूल और डायग्राम, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और शेड्यूल को लेकर इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो वहां मैंने बताया था ना कि वेरिएबल जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, तो टू पार्ट में डिवाइड हो गए थे शॉर्ट रन पीरियड में, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। तो यहां पर हम लोग दो पार्ट में यहां पर भी कर लिए। तो सबसे पहले लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर। तो आप एक जनरल वे में तो इसका डिफिनेशन यानी इसकी मीनिंग यही है कि जो वहां पर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड कास्ट। और जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनके ऊपर जो खर्च होगा उसको वेरिएबल कहा जाएगा। दूसरी तरह वहां देखे थे कि जो वेरिएबल फैक्टर थे वो लेबर था, अब बाकी सबके सब किस कैटेगरी में आते थे, फिक्स्ड फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर में सभी आएंगे, लैंड आएगा, कैपिटल आएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा, उसके साथ साथ परमानेंट जो लेबर हैं वो सब आएंगे, तो वो उस कैटेगरी में। तो उसको हम लोग इसमें एक समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफिनेशन तो आपको सबको दिखाई दे रहे होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी
डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट बढ़े या आउटपुट घटे, लेकिन इसके लेवल में कोई फर्क नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक पर मैं एक शॉपकीपर के रूप में काम करने के लिए सोच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एक शॉप को हायर किया, वो 4000 रुपये में थी, 4000 रुपये पर मंथ उसमें क्या देना था मुझे, रेंट देना था। दूसरा मैंने 1,00,000 रुपये HDFC बैंक से लोन लिया, वो लोन 1% पर मंथ था, तो लोन जब 1% पर मंथ था तो अब पर मंथ कितना लोन बन जा रहा, 1000 रुपये। तो ये 5000 रुपये क्या हो गए, हमारी शॉप में सामान कम हो ज़्यादा हो या फुल कैपेसिटी में हो जितनी भी उसमें है, तो हमें ये 5000 देने ही देने हैं। ऐसा नहीं कि हमने सामान कम रखा हुआ है, हम सामान कम बेच रहे हैं, अभी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेंट कम देना पड़ेगा या इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही, हमने बहुत सारा पहले सामान कम था फिर और बढ़ा लिया, फिर और बढ़ा लिया, लेबर और बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके कारण हमारे ना तो किसमें अंतर आ रहा, ना तो इंटरेस्ट में फर्क आएगा और ना ही हमारे जो रेंट है उसमें अंतर आएगा। तो ये फिक्स्ड हो गई, ये कास्ट फिक्स्ड है, इसमें आउटपुट बढ़े या घटे। अगर एक मैं लूम लगाऊं, लूम में अगर मशीन का फुल यूटिलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करूं, उसके लिए बिल्डिंग किराए में ली थी, तो बिल्डिंग का किराया देना ही, चाहे उसका आप यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन कम हो रहा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, उससे कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले एक उससे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सब जान गए होंगे फिक्स कास्ट किसके ऊपर पे की गई है, एक तो लैंड पे, दूसरा कैपिटल में और तीसरा एंटरप्रेन्योर में, तो और यह परमानेंट एम्प्लॉय पे। तो इसको सबसे पहले ले लेते हैं आउटपुट एक तरफ और दूसरी तरफ टोटल फिक्स्ड कास्ट या फिक्स्ड कास्ट, ये दोनों RFC, इसको FC और टोटल दोनों चीज बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब प्रोडक्शन जीरो था तब भी फिक्स कास्ट होती है, अगर मान लीजिए 12 है, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, तो ये 12 था, तो 12 से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसी तरह से ये बना रहेगा। तो देख रहे हैं आप लोग फिक्स कास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। दूसरी तरह इसका डायग्राम देख लेते हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं, आउटपुट, वाई एक्सिस में क्या ले लेते हैं हम लोग, TFC। ये क्या बन गई, TFC। तो इसमें आप देख रहे हैं आउटपुट इंक्रीज हो या आउटपुट डिक्रीज हो, आउटपुट इंक्रीज हो रहा या आउटपुट डिक्रीज हो रहा, TFC में कोई चेंज आ रहा, फिक्स कास्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज यूजुअल उसी तरह बना रहता है। तो इस तरह इसका शेड्यूल बनता है और इस तरह इसका डायग्राम बनता है। तो ये टोटल फिक्स कास्ट है, जो इट नेवर वेरी ड्यू टू वेरी इन आउटपुट, आउटपुट चेंज हो लेकिन इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आते। अब दूसरा हम लोग आते हैं वेरिएबल कास्ट, जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल और लेबर के साथ में कनेक्ट होता है, वो भी कैजुअल लेबर के साथ में। तो वेरिएबल कास्ट रेफर टू द दोज कास्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट जैसे ही चेंज होगा इसमें भी चेंजेस हो जाते हैं। तो इसको फिर हम देख लेते हैं, आउटपुट हो गया और क्या हो गया, TVC। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आउटपुट जीरो था तो ये भी जीरो रहेगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, तो ये भी क्या होगा, लगातार इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने में हम इसको ले लेते हैं, पहले 6 ले लेते हैं, फिर 10 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 13 ले लेते हैं, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 30। तो इसमें आप देखोगे, इसको फिर से हम बना कर देखते हैं, इसमें क्या हो रहा, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा TVC भी लगातार बढ़ रहा, पहले उसकी इंक्रीजिंग रेट कम थी, फिर इंक्रीजिंग रेट बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कम थी तो इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज इन डिमिनाइजिंग रेट, फिर इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट, और ये क्या बन जाएगा, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह का बनेगा। तो इसमें ध्यान रखना है इसको कि ये लगातार इंक्रीज करेगा, लेकिन पहला इंक्रीजिंग रेट कम होगा, फिर इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा,
और ये आउटपुट इंक्रीज करेगा तो इसको बैरियर, क्योंकि क्या होता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, जब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है तो पहले प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा होता है, तो जितना इंक्रीजिंग रेट प्रोडक्शन का ज़्यादा होगा कॉस्ट उतनी ही घटती जाएगी, जब इंक्रीजिंग रेट प्रोडक्शन का कम हो जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज इट फॉलो द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये उसका डायग्राम है और इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके बीच में हम लोग देख लेते हैं क्या डिस्टिंग्विश है दोनों के, क्योंकि इसका जो शेप है इनवर्सली यस शेप्ड बनता है, इसको इनवर्सली यस शेप्ड कहा जाता है। तो मीनिंग के बेस से यही दोनों डिफिनेशन हैं, उसके बेस से होता है कास्ट ए जीरो आउटपुट, तो जीरो में देखेंगे इसमें टीवीसी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बट टोटल फिक्स कास्ट क्या रहेगा वो एक अवेलेबल कॉस्ट वहाँ पर होगी जो शुरू से होगी वही बाद तक रहेगी। फिर इसके बाद होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल फिक्स कास्ट में तो आपको पता ही है लैंड होता है, लेबर होता है, वो भी कौन परमानेंट लेबर, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, यहाँ पर क्या रॉ मटेरियल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कैजुअल लेबर, वहाँ परमानेंट है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं वेरिएबल में क्या है उसमें कैजुअल लेबर होंगे। फिर इसके बाद होता है शेप ऑफ द कर्व, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और ये क्या है इनवर्स यस शेप होगा। फिर इसी तरह एग्जाम्पल तो हम बता ही चुके हैं, कैजुअल लेबर पर जो मिलेगा वो इसका एग्जाम्पल होगा, लैंड और कैपिटल एंटरप्रेन्योर में मिलेगा तो वहाँ का एग्जाम्पल होगा। तो ये इस चैप्टर की कुछ मेन स्टार्टिंग थी। ओके, थैंक यू।